दोस्तों आज के इस वीडियो में हम HDFC बैंक को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो चार्ट देख लेते हैं रिटर्न का। तो एक वीक में 0.1% का रिटर्न दिया है, एक मंथ में 1.5% का रिटर्न दिया है, तीन मंथ में 14% का लॉस रहा है, वहीं एक साल में 7.5% का लॉस रहा है और पाँच साल में देखें तो 25% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर हाईलाइट देख लेते हैं, जैसे कि स्टॉक सेंटिमेंट बुलिश है या बियरिश है ऐसा कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। मार्केट प्राइसिंग क्या है तो फेयरली वैल्यूड है। प्रॉफिट देखें तो 2.3% यानी प्रॉफिट इंक्रीज एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 2.3% का प्रॉफिट रहा है। अब स्वॉट एनालिसिस देख सकते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ में 7 है। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ रेट ऑफ 11.65% ओवर द पास्ट ईयर, यानी कि रेवेन्यू में 11.65% की ज़्यादा हुई है पिछले क्वार्टर के हिसाब, पिछले ईयर के हिसाब से देखें तो। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 6.92% ओवर द पास्ट क्वार्टर, पास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो भी रेवेन्यू बढ़ी है 6.92%। नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट ईयर बाय 20.96% ओवर द पास्ट ईयर, नेट प्रॉफिट भी देखें तो हम पिछले साल के हिसाब से 20.96% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 2.34% ओवर द पास्ट क्वार्टर, यानी पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखें तो भी 2.34% का रेवेन्यू बढ़ा है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। अब ROE आप देखें तो 17.24 के करीब है, ROCE भी अच्छी है 15.24, इम्प्रेसिव डिविडेंड यानी कि 1.33% का इनका डिविडेंड है। अब वीकनेस क्या है तो 3 ईयर रिटर्न ऑफ 6-6.36%, यानी कि 3 साल में इसने स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया पर रिटर्न की जगह यहाँ पे लॉस रहा है। एग्जैक्टली आपने 3 साल पहले खरीदा होता तो 6.36% का भी लॉस चल रहा है। नियरिंग इट्स 52 वीक लो, तो दोस्तों 52 वीक के लो पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। अपॉर्चुनिटी 2 है दोस्तों, चेंज इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होल्डिंग बाय 80.93% इंडिकेट्स अपॉर्चुनिटी। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की यहाँ पे होल्डिंग है वो बढ़ रही है 18.93% के हिसाब से। चेंज इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्डिंग बाय 3.63% इंडिकेट्स अपॉर्चुनिटी, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने भी 3.36% से ज़्यादा किया बाय किया है इसे, आप ये देख सकते हो। इसके बाद अब परफॉर्मेंस देख लो, 52 वीक के लो के करीब चल रहा है। अब फंडामेंटल देख लेते हैं, जैसे कि लार्ज कैप है, सेक्टर कौन सा है, बैंकिंग सेक्टर है, पीई देख लो 18.57 है। इस सेक्टर की और सब कंपनी का देखें तो 19.8 के करीब है, तो यानी कि नियरली है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। डिविडेंड यील्ड आप देखो 1.3% का है। मार्केट कैप है 10,96,196 करोड़, यानी कि अच्छी खासी मार्केट कैप है इनकी। अब रिटर्न भी आप देख लो, जैसे कि हमने आपको वो तो चार्ट पैटर्न में ही दिखा दिया है तो अब यहाँ पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइनेंशियल की बात कर ले, जैसे कि रेवेन्यू तो 2019 में 1,24,107 करोड़ का रहा था, वहीं 2020 में 1,47,068 करोड़ का रहा, फिर 2021 में 1,55,885 करोड़ का रहा, फिर 2022 में 1,67,695 करोड़ का रहा और 2023 में 2,04,666 करोड़ का रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू काफ़ी बढ़ रही है, अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। तो स्टॉक आप चाहो तो एनालाइज करके, आप इसे में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिटेल में एनालाइज करके इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा स्टॉक है क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ रही है। अब नेट प्रॉफिट भी देखें तो उसी हिसाब से देखो आप, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब नेट प्रॉफिट 2019 में देखो 22,445 करोड़, फिर 2020 में दोस्तों ये सब नंबर है करोड़ में ही, आप करोड़ में ही इसे कंसीडर करना, फिर 2020 में 27,296, 2021 में 31,856, 2022 में 38,150 और 2023 में 46,148 करोड़ का रहा है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ के नेट प्रॉफिट भी इनकी हुई है। दोस्तों ईयर के हिसाब से हम देखते हैं, क्वार्टरली देखने की कुछ ज़रूरत नहीं, अगर आपको देखना तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर यहाँ पे सितंबर 22, मार्च 23 और दिसंबर 23, तो प्रमोटर के पास अभी कोई होल्डिंग नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप लिक्विड पे देख सकते हो, हमें दिखा रहा है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग नहीं है। FII के पास 52.31% के करीब की है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 30.31% की है और रिटेल एंड अदर के पास
17.38% के, तो ये भी आप देख सकते हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर म्यूचुअल फंड होल्डिंग को तो आप देख सकते हो 18%, 18.37%, 18.47%, 17.6%, फिर 19.71% सितंबर 23 में हुई और दिसंबर 23 में 19.45% हुई। अब इसमें आपकी मेट की रेशियो आप देख सकते हो कुछ, कि आरओई आप देखो 2019-20-21 कम हुई, फिर 21 से 22-23 तक बढ़ना शुरू हो गई। तो आप देख सो 21 में 16.5 थी, 22 में 16.7 हुई और 23 में 17.2 हो गई। आरओसी भी आप देख सकते हो 2019, दोस्तों एक कोरोना चल रहा था तो सबके कंपनियों के ऐसे ही आपको दिखेंगे 2019-20 और 21 तक। तो 19 में 16%, 20 में 15%, 21 में 14%, फिर 22 में भी 14% और 23 में 15%। आरओ ये देख सकते हो 2% के चला आ रहा है और वही हो रहा है। ईपीएस देख सो अर्निंग पर शेयर दोस्तों हर साल बढ़ रहा है, 19 में 41 था, 2020 में 49 हुआ, फिर 2021 में 57 हुआ, 2022 में 68 हुआ और 2023 में 82 हो गया, तो अच्छी खासी है। दोस्तों पीयर कंपैरिजन आप करना हो तो आप कर सकते हो यहाँ पे, तो पी देख लो आप, बैंक एचडीएफसी बैंक का 18.57, कोटक बैंक का 20.23, एक्सिस बैंक का 23.77, इंडसइंड बैंक का 13.54, आईसीआईसीआई बैंक का 18.04। फिर थ्री मंथ का रिटर्न देखो सारे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के अलावा सबके रिटर्न माइनस में ही है, यानी कि लॉस में ही है। थ्री ईयर सेल्स ग्रोथ आप देख लो तो अच्छी खासी दोस्तों, थ्री ईयर में सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा एचडीएफसी बैंक की हुई 11.7%, उसके बाद कोटक बैंक की 10.6% के करीब, एक्सिस बैंक की 9.9 के करीब है, तो सबसे ज़्यादा इसी के हुए है दोस्तों। थ्री ईयर प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख लो 19-19, फिर एक्सिस बैंक का उसमें बहुत ही अच्छा है दोस्तों, 79% के करीब है, आईसीआईसीआई बैंक का 45% के करीब है। थ्री ईयर आरओई देख लो 17 है, एचडीएफसी बैंक का 14 है, कोटक बैंक का, एक्सिस बैंक का 18 है, इंडसइंड बैंक का 14% और आईसीआईसीआई बैंक का 17%, तो 17% हाइस्ट है तो इसमें भी ये है। तो आप दोस्तों हमने आपको डिटेल में एनालाइज करके दिखा दिया, अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो खुद से रिसर्च करो और इन्वेस्ट एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करो।